इस मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक अकेली लड़की को देखते हैं और यह बहुत ही ज्यादा घायल थी और उसके हाथों से भी खून बह रहा था। और तभी एक आदमी पीछे की तरफ से आते हुए उसके सिर को एक कपड़े से ढक देता है और वहीं पर दूसरा आदमी उसके सिर पर अटैक करके उसे बेहोश करता है। और इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे बेसमेंट के अंदर में बांध दिया था और इस लड़की के आसपास में ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू का हर एक सामान था। और जब लड़की के फेस से कपड़ा हटाया जाता है तो वह देखती है कि उसके सामने उसके पिता है, यानी कि इस जगह पर लाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता है। और यह लड़की अपने पिता से बार बार कहती है कि वह अपनी माँ के पास में जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुमने तो अपनी माँ को पहले ही मार दिया है। और वहीं पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो इस लड़की के पिता से कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को जलाकर मार दो। और यह बूढ़ी औरत एक शैतानी किताब में लिखे गए हर एक नियम को फॉलो करती है और वह इस लड़की के पिता से कहती है कि तुम अपनी बेटी को जला दो, लेकिन यह लड़की बार बार अपने पिता से कहती है कि ऐसा मत करो। लेकिन इस लड़की का असली रूप तब सामने आता है जब उसके पिता उसे जलाने के लिए आग जलाते हैं और वह शैतानी आवाज में कहती है कि मैंने तो अपनी माँ को मार दिया है और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और इसके बाद उसके पिता उसके शरीर में आग लगाकर एक शॉट गन से उसके सिर को उड़ा देते हैं। और इसके बाद हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि जंगल में इकट्ठा हुए थे। डेविड नाम का उनका एक दोस्त जो बहुत ही दिनों बाद अपने दोस्तों से मिलता है और यहाँ पर वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ में आया था। और इसके साथ ही हम मिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डेविड की बहन थी और ये सभी डेविड के पुराने घर पर आए थे जो कि जंगल के बीचों बीच में था। और यहाँ पे डेविड की बहन को ड्रग्स की बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और ये सभी लोग यहाँ पे मियाँ के ड्रग्स के नशे को छुड़वाने के लिए आए थे। और ये सभी लोग डेविड के घर के अंदर में चले जाते हैं और ये सभी लोग देखते हैं कि मियाँ को पैनिक अटैक आ रहा है ड्रग्स की वजह से। और मियाँ इन सभी से कहती है कि उसे इस जगह से बहुत ही बुरी बदबू आती है, लेकिन उनके दोस्तों को लगता है कि मियाँ बस इस जगह से भागने के लिए ऐसा कह रही है। लेकिन तभी डेविड के डॉग ने उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट को खोज लिया था और यह वही जगह थी जहाँ मूवी की शुरुआत में ब्लैक मैजिक हुआ था। और ये सभी लोग बेसमेंट के अंदर में चले जाते हैं और यहाँ पर इन सभी को बहुत ही सारी बिल्लियाँ मरी हुई लटकी नजर आती है। डेविड के दोस्त को वहाँ पर एक बुक मिल जाता है और इस बुक को वायर की मदद से बहुत ही मजबूती से बांध दिया था और यह वही बुक है जिससे वह बूढ़ी औरत ने ब्लैक मैजिक किया था। एरिक इस वायर को काट कर इस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है और इस बुक में साफ साफ लिखा था कि अगर कोई भी इस बुक में लिखे गए वर्ड को पढ़ेगा या उसे लिखेगा तो नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और एक शैतान उस दुनिया से इस दुनिया में आ जाएगा। लेकिन एरिक इसे इग्नोर करते हुए इस बुक को पढ़ने लगता है और हम इस जगह पर नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे एरिक इस बुक को पढ़ता जा रहा था तभी एक शैतानी शक्ति मियाँ की ओर आती जा रही थी और यह शैतानी शक्ति एरिक के अंतिम वर्ड पढ़ने पर मियाँ के बहुत ही करीब आ जाती है और इसी वजह से मियाँ को उल्टी आ जाती है। और तभी मियाँ उस जंगल में एक लेडी के गोश्त को देखती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी और मियाँ को यह चीज काफी ज्यादा अजीब लगता है और वह घर के अंदर में जाकर कार की चाबी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मियाँ बहुत ही तेजी से कार चला रही थी और तभी मियाँ को सड़क के बीचों बीच में उसी लड़की का गोश्त दिखाई देता है और इसी वजह से मियाँ के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। और होश में आने के बाद मियाँ कार से बाहर आती है और बाहर आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और मियाँ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन यह शैतानी शक्ति जंगल के पेड़ की शाखाओं को कंट्रोल करके मियाँ को पकड़ लेती है और अब हम इस शैतान को देखते हैं जो देखने में काफी ज्यादा भयानक था और उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो कि मियाँ के मुंह में चली जाती है। और अब मियाँ पूरी तरीके से इस शैतान के बस में हो चुकी थी। डेविड और उसका दोस्त मियाँ को खोजते हुए उसके पास में आ जाते हैं और डेविड मियाँ को देखता है और इसके बाद डेविड मियाँ को लेकर घर चला जाता है। और घर जाने के बाद मियाँ इन सबसे कहती है कि उसने जंगल में एक शैतान को देखा है और उसके दोस्त सोचते हैं कि ड्रग्स न लेने की वजह से शायद इसकी ऐसी हालत हो गई है। और जब डेविड अपने घर के कूड़े को साफ करके फेंकने के लिए जाता है तो वो अपने डॉग को देखता है जिसे किसी ने बेरहमी तरीके से मार दिया था और इस डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मियाँ ने ही मारा था। और यह सब जानने के बाद डेविड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है मियाँ पे और वह उसके पास में जाने लगता है। और दूसरी तरफ हम मियाँ को देखते हैं जो नहा रही थी और वह पानी को बहुत ही ज्यादा गर्म कर लेती है और वह इस उबलते हुए पानी से नहाने लगती है। और तभी डेविड दरवाजे को तोड़कर उसकी जान बचा लेता है और वह उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन इस दिन बहुत ही तेजी से बारिश होती है जिसकी वजह से सड़क व पानी भर जाता है और तभी मियाँ अजीब तरीके से मुस्कुराती है जिससे हमें पता चलता है कि मियाँ को अब शैतान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और इसके बाद डेविड उसे फिर से अपने जंगल वाले घर में ले जाता है और उसकी दोस्त ओलिविया उसे दवा देकर शांत करती है। एरिक जो अभी भी इस किताब को पढ़ रहा था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर शैतान किसी भी बॉडी पर कब्जा करेगा तो उससे पहले वह इंसान जंगल में खो जाएगा और इसके बाद वह अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा। और इस किताब में जो कुछ भी लिखा था वह सब कुछ मियाँ के साथ में हो
हो रहा था और एरिक इन सभी से कहता है कि मियां को किसी शैतान ने अपने बस में कर लिया है, लेकिन इसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और ये सभी लोग अभी आपस में बातें कर ही रहे थे और तभी मियां एक शॉर्ट गन को लेकर उनके रूम में आती है और वह इस शॉर्ट गन से डेविड के ऊपर गोली चलाती है और यह गोली डेविड को छूकर निकल जाती है। और तभी मियां इन सभी को एक शैतानी आवाज में कहती है कि तुम सब आज मारे जाओगे, और यह सब कहकर वह बेहोश हो जाती है। ओलिविया इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए वह बंदूक को लेने के लिए जाती है और तभी होश में आकर मियां ओलिविया के हाथ को पकड़ लेती है और वह ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी करने लगती है, जो देखने में काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से मियां को बेसमेंट के अंदर में धकेलती है और इसके बाद एरिक जल्दी से बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है। और अब इनकी फ्रेंड इन सभी को बताती है कि मियां को होश में आना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसने मियां को बेहोश करने की दवाई दी थी। और यह सुनकर डेविड उसे फिर से यह दवाई बनाने के लिए कहता है और उसके बाद वह बाथरूम के अंदर में जाती है और हम शीशे के अंदर में एक शैतान को देखते हैं। और जैसे ही ओलिविया इस शीशे के अंदर में खुद को देखती है, यह शीशा टूट जाता है और अब इसके ऊपर भी शैतान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। और जब एरिक ओलिविया को देखने के लिए आता है तो वह देखता है कि ओलिविया एक तेज धार वाले चाकू से अपने फेस को काट रही है और इस चीज को देखकर एरिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद ओलिविया एरिक के ऊपर में अटैक करने के लिए आती है और वह कांच के टूटे हुए टुकड़े को एरिक के सीने के अंदर में घुसा देती है और वह एक इंजेक्शन को एरिक के आँख के अंदर में घुसाने की कोशिश करती है। और यहाँ पे एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया पे अटैक करके उसे जान से मार देता है और डेविड एरिक के पास में आकर उसके सीने से कांच के टूटे हुए टुकड़े को निकाल देता है। और यहाँ पे एरिक का बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। और तभी डेविड अपनी फ्रेंड नेटली को अपने घर से शुगर और पानी लाने के लिए कहता है और जब नेटली घर के अंदर में जाती है तभी मियां रोते हुए नेटली को घर के अंदर में बुलाती है और वह जैसे उसके पास में जाती है तो वह मियां की चाल को समझ जाती है और वह बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और मियां अपने दादों से नेटली के हाथ को काट लेती है। और ठीक उसी समय डेविड वहां पर पहुंचकर नेटली की जान को बचा लेता है और वह बेसमेंट के दरवाजे को बहुत ही मजबूती से बंद कर देता है। और दूसरी तरफ एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि यह किताब आग से जलाने से भी नहीं जलती। और इस किताब में यह लिखा था कि अगर इस शैतान ने 5 लोगों पर अपना कब्जा कर लिया तो आसमान से खून की बारिश होगी और इसके बाद एक शैतान इस दुनिया में आ जाएगा। और इस शैतान को रोकने के लिए 3 तरीके हैं और सबसे पहला तरीका यह है कि शैतान ने जिसकी बॉडी पर अपना कब्जा किया है उसे जला दे, और दूसरा तरीका यह है कि उसे जिंदा ही दफना दे, और तीसरा तरीका यह है कि शैतान के कब्जे वाली बॉडी को टुकड़ों में बांट दे। और नेटली पूरी तरीके से शैतान के बस में हो चुकी थी और वह अपने एक हाथ को भी काट लेती है और यह सब कुछ एक शैतान भी देख रहा था। और इसके बाद डेविड और एरिक नेटली के पास में आते हैं और उसकी ऐसी हालत को देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद डेविड नेटली को पट्टी करता है और इसके बाद डेविड और एरिक बातें करते हैं कि इस शैतान को कैसे रोका जाए। और इसके बाद वहां पर नेटली आ जाती है जिसकी हालत से हमें पता चलता है कि शैतान ने पूरी तरीके से इसके बॉडी पर कब्जा कर लिया है और नेटली इन दोनों पे अटैक कर देती है। और यहाँ पर नेटली एरिक को जान से मारने ही वाली थी लेकिन तभी डेविड ने उसे पीछे से गोली मार दी थी। और इसके बाद डेविड एरिक को बाहर छोड़कर डेविड इस घर को जलाने लगता है ताकि वह इस शैतान को मार सके। डेविड के घर जलाने से पहले मियां एक गाना गाती है और यह गाना उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी और इस गाने के सुनकर डेविड डिसाइड करता है कि वह अपनी बहन को बचाएगा और वह सोचता है कि वह अपनी बहन को जमीन के अंदर में दफना देगा और जब शैतान उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा तो वह उसे बिजली के झटके देकर मियां की दिल की धड़कन वापिस से ले आएगा। और इसके बाद वह मियां को पकड़ने के लिए बेसमेंट के अंदर में जाता है लेकिन मियां उसे उठा उठा कर फेंक रही थी और वह डेविड को पानी के अंदर में डुबा कर मारने ही वाली होती है, लेकिन वहां पर एरिक आकर मियां पे अटैक करके डेविड की जान बचा देता है। और यहां पे एरिक बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था जिसकी वजह से इसकी यहीं पे मौत हो जाती है। और इसके बाद डेविड मियां को लेकर जमीन के अंदर में दफना देता है और कुछ देर के बाद वह मियां को बाहर निकाल देता है और मियां के दिल की धड़कन वापस लाने के लिए वह उसे बिजली के झटके देता है। पहले तो ऐसा लगता है कि मियां अब मर चुकी है लेकिन थोड़ी देर बाद मियां जिंदा हो जाती है और उसके अंदर से शैतान भी निकल चुका था और यह सब सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। और तभी एरिक अंदर से आता है जिसके ऊपर शैतान ने कब्जा कर चुका था और तभी एरिक डेविड के गले में एक कील को घुसा देता है और डेविड यहाँ पे समझ जाता है कि यह शैतान उसे नहीं छोड़ेगा और वह सारे दरवाजे बंद करके इस घर को आग लगा देता है ताकि मियां सुरक्षित रह सके। और डेविड और एरिक दोनों ही इस आग में जलकर मारे जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब शैतान मर चुका है, लेकिन डेविड के मारने के बाद उस शैतान ने
पांच बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया था और इस किताब के अनुसार पांच बॉडी पर कब्जा करने के बाद खून की बारिश होगी और होता भी ऐसे ही है। और यहाँ पे खून की बारिश होने लगती है और तभी एक शैतान दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ जाता है और वह मियाँ के ऊपर में अटैक करके उसके एक हाथ को भी तोड़ देता है। और यहाँ पे मियाँ एक मशीन की मदद से उस पर अटैक करने के लिए जाती है और वह इस मशीन से उस पर अटैक करके उसके दो टुकड़े कर देती है। और जैसे ही यह शैतान खत्म हो जाता है तो इसके शरीर के हिस्से जमीन के अंदर में चले जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।